नमस्ते सभी हमारे अनएम्प्लॉयड लेबर्स एवं जो खासकर जो रेगुलराइज नहीं हुआ, तो उनसे निवेदन है कि कृपया आप लोग जो है हमें सपोर्ट करें, तीन गोकार को और एनपीपी को खासकर, क्योंकि अरुणाचल में इतना साल हो गया हम लोग का कोई के लेबर भाई है जो 15 साल 20 साल से रेगुलराइज ही नहीं हुआ। तो हम लोग अभी तक जो गवर्नमेंट है वो तो ऑफकोर्स हम लोग का ये पार्टनर है नेता का, फिर भी जो है उन लोगों का शायद वर्किंग क्लास के लिए उन लोग का एक कोई पैकेज या उन लोग का पॉलिसी नहीं है लग रहा मुझे तो। अपना इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार हो गया कि अपना रिलेटिव को ही रेगुलराइज कर रहा है, तो उसका उसके लिए कुछ किया जा सकता है कि उसके लिए भी हम लोग काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि हम लोग का जो लेबर क्लास है काफ़ी जो है बहुत सफरिंग कर रहा है, क्योंकि आजकल सामान का दाम जो है इतना बढ़ गया। तो उसके लिए भी हम लोग कुछ किया जा सकता है कि एक पॉलिसी बनाया जा सकता है कि बोल के हम लोग का नेता के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। और बाई चांस आप लोग का आशीर्वाद से अगर गोकार जी कल को ये गवर्नमेंट में अगर कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है, तो अगर हमारा जो एमपीपी का जो 20 MLA का जो टारगेट अगर हो जाता है हम लोग ऊपर वाला का आशीर्वाद से, तो डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग का तो एजेंडा ही है गरीब लोग के लिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस बार आप लोग हमें एक मौका देने से ठीक है, खासकर जो ये जो है हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ एवं हमारा जो जो ये जो है आपका जो है ये जो है आपका जो पार्टी है हमारा जो लेबर है जो जिसका अभी तक रेगुलराइज नहीं हुआ, तो वो तो एक बार तो उन लोग सोचने से ठीक है, क्योंकि कब तक इस तरह इलेक्शन में थोड़ा थोड़ा रुपया दे के कब तक हाथ चलाते रहेगा। तो आप लोग कृपया फिर सोचिएगा। थैंक यू।